A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. My dear students, assalamu alaikum. It is class 8, subject English. My topic is making verbs from nouns. Pehle bachcho, aaj hum ye janne ki koshish karenge ki hum verbs ko kis tarah banate hain nouns mein se. Means how we change the nouns into verbs. To ye aaj hame yahan pe dekhna hai. Pehle bachcho, aapko pata hi hai ki noun hum kisse kehte hain. What is noun? A word which shows name of anything, place or person is called a noun. Kisi cheez ka naam, kisi jagah ka naam, ya kisi shakhs ka naam ism kehlata hai. Noun ko hum urdu mein ism kehte hain. To verb jo hai isko hum urdu mein fail kehte hain. To verb kise hum kehte hain? A word which shows an action. Just like play, write, drink, walk, wash, etc. तो पहले बच्चों ये तो हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है नाउंस के बारे में और वर्ब्स के बारे में. लेकिन यहां पे हमें देखना है कि हम किस तरह नाउंस को वर्ब्स में चेंज करते हैं. तो यहां पे मैंने कुछ नाउंस लिखे हैं और इनके वर्ब्स भी मैंने आगे लिखा है. यहां पे आप देखिए एडिशन. एडिशन ये नाउन है. इसको हम किस तरह मतलब वर्ब में चेंज करेंगे कर सकते हैं. तो इसका वर्ब क्या आएगा एडिशन का? एडिशन मीन्स जमा. तो एड इसका वर्ब आएगा. एड मीन्स जमा करना. ब्लड इट इज नाउन. ये भी नाउन है. इसका वर्ब क्या आएगा? ब्लीड. ब्लड मीन्स खून. ब्लीड मीन्स खून निकलना. कलेक्शन. कलेक्शन हम किससे कहते हैं? ये भी नाउन है. कलेक्शन जमा. इसका उर्दू माने है जमा. कलेक्ट मीन्स जमा करना. ये इसका वर्ब बनता है यहां पे. एक्सप्लेनेशन ये यहां पे नाउन है और इसका वर्ब यहां पे क्या आता है? एक्सप्लेन. एक्सप्लेनेशन मीन्स वजाहत. एक्सप्लेन मीन्स वजाहत करना. फ्लाइट. ये फ्लाइट जो है ये नाउन है और इसका वर्ब क्या लिखा है यहां पे मैंने? फ्लाई. फ्लाइट जो है इसका उर्दू माने है उड़ान. फ्लाई मीन्स उड़ना. ये इसका वर्ब बन जाता है. यहां पे वर्ब बन जाता है. फूड हम गुजा को कहते हैं. ये नाउन है और इसका वर्ब क्या है? फीड. फूड मीन्स गुजा. फीड मीन्स गुजा देना, किसी को खिलाना. इन्वेजन ये नाउन है. इन्वेजन मीन्स हमला. इसका वर्ब क्या आता है? इन्वेड. इन्वेड मीन्स हमला करना या कब्जा. इन्वेजन हम कब्जा. इसका उर्दू मतलब हम कब्जा. जब हम इसका उर्दू मतलब निकालते हैं तो इसे हम कब्जा कहते हैं. तो इन्वेड मीन्स कब्जा करना या हमला करना. मोमेंट ये नाउन है और इस मोमेंट का वर्ब क्या लिखा है यहां पे मैंने? क्या आता है? मूव. मोमेंट मीन्स हरकत. मूव मीन्स हरकत करना. तो इस तरह प्यारे बच्चों ये यहां पे नाउन्स हैं और इस कॉलम में इसके लिए वर्ब्स हैं. एडिशन इसका वर्ब एड आया है. ब्लड इसका वर्ब ब्लीड है. कलेक्शन इसका वर्ब कलेक्ट है. एक्सप्लेनेशन इसका वर्ब एक्सप्लेन है. फ्लाइट इसका वर्ब फ्लाई है. फूड इसका वर्ब फीड है. इन्वेजन इसका वर्ब इन्वेड है. मोमेंट इसका वर्ब जो है वो है मूव. अब हम इस कॉलम पे चलते हैं. यहां पे मैंने और कुछ नाउंस लिखे हैं और इनके वर्ब्स भी मैंने लिखे हैं यहां पे. तो पहले बच्चों यहां पे देखिए सिंपल ये नाउन है. सिंपल मीन्स आसान या सादा. सिंपलीफाई ये इसका वर्ब बन गया यहां पे. आसान करना. तो कहीं कहीं पे हम मतलब सुफिक्सेस थ्रू मतलब वर्ब्स बनाते हैं नाउन्स के. सुफिक्सेस वो लेटर्स हैं जो हम नाउन के एंड पे लगाते हैं. यहां पे आप देखिए ये सिंपल है तो यहां पे इस ई को हमने ड्रॉप किया है और आखिर पे हमने IFY लगाया है तब जाके ये इसका वर्ब बन गया है. तो इस तरह ये इसका सुफिक्स है. तो इसी तरह यहां पे प्योर जो है प्योर मीन्स साफ. प्यूरिफाई साफ करना ये नाउन है और इसका यहां पे वर्ब क्या बन गया है? प्यूरिफाई. इसके लास्ट पे कुछ लेटर्स आए हैं IFY जिनको हम सुफिक्सेस कहते हैं. तो इस तरह इसका ये प्यूरिफाई इस नाउन का वर्ब बन गया. अपोलॉजी मीन्स माफी. अपोलॉजाइज मीन्स माफ करना.
तो यहां पे देखिए यहां पर भी ये जो यहां पे ये ये apology जो है इसके last पे क्या add हुआ है यहां पे I Z E ये कुछ letters इसके end पे add हुए हैं और y को drop करके तो इनको हम इन letters को हम suffixes कहते हैं तो इस तरह भी हम nouns को verbs में change करते हैं pressure ये noun है दबाव pressure means दबाव इसका verb क्या आता है pressurize दबाव करना रीडर यहां पे देखिए रीडर हम पढ़ने वाले को कहते हैं ये नाउन है जब हम इसका वर्ब बनाते हैं तो हम इस ई आर को ड्रॉप करेंगे यहां पे कैंसिल करेंगे और इन्हीं लेटर उसको हम यहां पे रखते हैं आर ई ए डी ये इसका वर्ब बनता है रीड मींस पढ़ना साइट साइट मींस नजर ये नाउन है या हम नजारा को भी इसका उर्दू मतलब निकालते हैं नजारा साइट ये नाउन है और इसका वर्ब क्या बन गया यहां पे सी मीन देखना टीचर पढ़ाने वाला ये नाउन है यहां पर भी हम इस ई आर को ड्रॉप करते हैं फिर यहां पे क्या रहता है टीच ये इसका वर्ब बन जाता है राइटर लिखने वाला ये नाउन है तो यहां पर भी हम क्या करेंगे इस आर को हम यहां पे इस कैंसिल करेंगे जब हम इसका वर्ब बनाते हैं तो इसका वर्ब क्या बनेगा राइट तो प्यारे बच्चों ये जो है जो ये फॉर्मेशन ऑफ जो वर्ब्स हैं जो हम ये वर्ब्स बनाते हैं नाउन्स में से इसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है तो अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों आपको इन नाउन्स को याद रखना है कि किस तरह हम इन नाउन्स को वर्ब्स में चेंज करते हैं ये आपको याद रखना है बाकी इसके लिए ये फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स जो है या फॉर्मेशन ऑफ वर्ब्स जो है या मेकिंग ऑफ वर्ब्स जो है फ्रॉम नाउन्स इसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है इनको याद रखना है और याद करना है तो प्यारे बच्चों आज मैंने कुछ आपको यहाँ पे पढ़ाया है कि किस तरह हम नाउन्स को वर्ब्स में चेंज करते हैं किस तरह हम नाउन्स को हम वर्ब्स में तब्दील करते हैं ये यहाँ पे हमने कुछ यहाँ पे आज सीखने की कोशिश की है आज इतना ही शुक्रिया खुदा हाफिज थैंक यू